हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे और खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम यहाँ आए हैं पार्क में और थोड़ा सा कुछ आपसे डिस्कशन करने के लिए। तो पहली बात ये बताएं आप हमें, अपने व्यूअर्स को, कि एज ए न्यू इमिग्रेंट टैक्स रिटर्न फाइल करना क्यों ज़रूरी है? जी, आपने अच्छा सवाल किया जनाब कि एज ए न्यू इमिग्रेंट जब हम कनाडा में लैंड करते हैं तो बेशुमार लोगों के जहन में होता है कि जनाब प्रॉब्ली हमारी इनकम नील है एज ए न्यू इमिग्रेंट, तो फिर हम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करें। तो जनाब आपकी चाहे इनकम नील हो, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब आप रेजिडेंट हैं कनाडा के तो फिर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहे आपकी इनकम नील हो। अब इसके कुछ फ़वाद हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। पहली चीज़ ये कि कनाडा में जो एक बड़ा अच्छा आपको मंथली अलाउंस मिलता है बच्चों के ज़िम्न में, जिसको कनाडा चाइल्ड बेनिफिट कहते हैं, आप उसके लिए एज पेरेंट्स तभी एलिजिबल होंगे जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शुड फाइल देयर टैक्स रिटर्न, चाहे आपकी इनकम नील है। और ये जो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट, हमें पता है कि 6 साल तक के बच्चे के लिए तकरीबन कोई $600 महाना आपको मिलता है। और जो 6 साल से बड़े बच्चे और 17 साल यानी मीन 18 साल से छोटे जो हैं उनके लिए तकरीबन कोई $500 $480 प्लस माइनस मिलता है। तो टैक्स रिटर्न फाइल करने से इसको उन्होंने अटैच कर दिया। अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो फिर आपको ये कनाडा चाइल्ड बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो बुनियादी तौर पर जब बाद में आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी से कंफर्म करता है आपके स्टे के बारे में, और वो इस बेस पे कंफर्म होता है कि आपने कितने सालों की टैक्स रिटर्न्स फाइल की एज अ कैनेडियन रेजिडेंट। तो वो भी आपका रिकॉर्ड एक आ जाता है और आपकी जो बाद में सिटीजनशिप का मसला है वो भी आसान हो जाता है। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा जो है वो ये है कि जब आप ये अपनी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ज़ाहिर है आप लो इनकम फैमिली में होते हैं इनिशली, तो आपको एक GST HST बेनिफिट मिलता है। GST HST समझिए यहाँ का सेल्स टैक्स है। तो गवर्नमेंट जो एजेंसी है लो इनकम फैमिलीज़ को मंथली बेसिस पे कनाडा रेवेन्यू एजेंसी कुछ आपको पेमेंट करती है उसकी मद में कि आपने जो ग्रोसरीज खरीदी होगी, कुछ और आइटम पे जो आपने GST HST पे किया है, तो वो आपको एक किस्म का रिफंड देते हैं। तो वो ऑन एवरेज आपको तकरीबन $600-700 साल का मिल जाता है, $800 मिल सकता है। डिपेंड करता है कि उसे कहते हैं आपकी फैमिली का कॉम्पोजिशन क्या है, बच्चे कितने हैं वगैरह वगैरह। फिर आप इसका जो एक और बेनिफिट है टैक्स रिटर्न फाइल करने का वो ये है कि जब आप कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे आ गए हो, फिर लॉन्ग रन में यहाँ पे आप स्टे करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एक ओल्ड एज सिक्योरिटी बेनिफिट समझो पेंशन की मद की एक चीज़ है जिसका ताल्लुक आपकी अर्निंग्स के साथ ही है। तो चाहे आपने कनाडा में कभी कोई काम ना किया हो, लेकिन अगर आप 10 साल तक कनाडा में रहे हैं तो आपने टैक्स रिटर्न्स फाइल की है, रिकॉर्ड है कि जी आप 10 साल या मौजूद रहे हैं रेजिडेंट, तो आपको एक मिनिमम पेंशन ज़रूर मिलेगी जिसको ये ओल्ड एज सिक्योरिटी बेनिफिट या OAS कहते हैं। उसके लिए भी ये प्री कंडीशन है कि आपकी वो 10 ईयर्स डिटर्मिन करेंगे आपकी टैक्स फाइलिंग के हवाले से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हाँ, अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पर एम्प्लॉयड भी हो गए और आपकी इनकम है या आपकी आपके मुल्क से भी कोई आमदनी आ रही है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो वो इनकम भी सारी यहाँ पर रिकॉर्डेड हो जाएगी। जब कल को आप घर लेना चाहते हैं या कोई और, तो मॉर्गेज के लिए आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी में आपने टैक्स रिटर्न फाइल की है और उसके बेस पे जो आपको नोटिस ऑफ असेसमेंट मिला है वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट तस्वर होती है बाय द लैंडर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आप उनको दिखा सकते हैं कि ना आप देखें ये मेरा उसे कहते हैं नोटिस ऑफ असेसमेंट है और मेरी इतनी इनकम रही है। तो इसमें यानी बेशुमार फ़वाद हैं टैक्स रिटर्न को फाइल करने के। अब एक और चीज़ आप हमें बताएं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न के जो फाइल करते हैं उसकी बेसिक्स क्या है? ठीक है जनाब, क्वेश्चन ये वो आपका मतलब ये कि जो कनाडा का ये इनकम टैक्स का सिस्टम है इसके हवाले से कुछ बात की जाए। देखिए जनाब, इसमें बुनियादी तौर पे तो ये बात है कि अगर हम करंट ईयर 2022 की बात करें तो एक आपका पर्सनल फेडरल अलाउंस होता है। आप ये समझें कि इतनी आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होगा, वो हर इंडिविजुअल के लिए सेम होता है। यानी फ़र्ज़ करें आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो वाइफ का भी वही अलाउंस होगा और हस्बैंड का भी। तो वो करंटली आप समझें तकरीबन को $14,500 के करीब चल रहा है। तो इसका मतलब ये कि मजमूई तौर पे अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ ने मिल के तकरीबन कोई $28,000 भी कमाया है तो आपने उस पर कोई इनकम टैक्स अदा नहीं करना। ठीक है, ये बेसिक आपका फेडरल अलाउंस है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि कनाडा में भी प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स सिस्टम है। इसका मतलब कि यहाँ पर स्लैब सिस्टम है, यूँ यूँ आपकी आमदनी बढ़ती है उसके ऊपर आपने ज़्यादा इनकम टैक्स अदा करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे 5 स्लैब्स चलती हैं बेसिकली फेडरल लेवल पे। अगर हम बात करें लोएस्ट जो है 15% पे और फिर हाईएस्ट 33% आपका टैक्स कट जाता है आमदनी से। लेकिन क्योंकि जाहिर बात है कनाडा एक फेडरेशन है तो यहाँ पर आप सिर्फ फेडरल इनकम टैक्स नहीं पे करते, आप बल्कि प्रोविंशियल इनकम टैक्स भी पे करते हैं। उसकी भी 5 स्लैब है। अगर मिसाल के तौर पे हम ओंटेरियो जहाँ पे हम रहते हैं उसकी बात करें तो वो तकरीबन कोई 5% से शुरू होती है और 13% तक जाती है। तो मजमूई तौर पे आप कह सकते हैं कि अगर आपने बिल्कुल बेसिक $50,000 तक भी आपने कमाया है, उस $14,000 से ऊपर जो आपको फेडरल अलाउंस मिलता है जिस पर कोई टैक्स नहीं, तो आपने तकरीबन कोई 21% के करीब इनकम टैक्स उसके ऊपर अदा करना है। ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए। और एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप यहाँ पर आकर क्या कर रहे हैं। आप एम्प्लॉई हैं, जो मेजॉरिटी लोग नौकरी करते हैं, तो नौकरी में तो ज़्यादा जो भी आपकी सैलरी है जो आपकी वो T4 के अंदर आती है उस पर आपका टैक्स कट जाता है, फिर आपने उस पर टैक्स पे करना है। हाँ, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना कोई कारोबार या बिजनेस कर रहे हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा टैक्स में छूट मिल जाती है क्योंकि आप बेशुमार खर्चे जो से हैं वो आप अपने बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे दिखा सकते हैं जो एज एन एम्प्लॉई आपको इजाज़त है। मिसाल के तौर पे आप अपनी गाड़ी का खर्चा के जी मैं अपने काम पे जाता हूँ तो पेट्रोल का खर्चा भी आप बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकते हो। आप सेल फोन यूज़ कर रहे हो उसका खर्चा, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो उसका खर्चा, रेंटेड प्रॉपर्टी में कहीं रह रहे हैं, घर से बिजनेस कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो वो भी आप पार्ट ऑफ रेंट को बिजनेस एक्सपेंस शो कर सकते हो। तो कट इट शॉर्ट, इसका मतलब ये है कि अगर आप रेंट को कर सकते हैं, मॉर्गेज की है तो फिर सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट का हिसाब ले सकते हैं क्योंकि वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपका कैपिटल बिल्डअप हो रहा है ना, उसमें नहीं। इट्स अ गुड क्वेश्चन जो आपने किया। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेंट की। सिर्फ रेंट में अगर आपका मॉर्गेज प्रॉपर्टी तो सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है उसका एक पोर्शन आप क्लेम कर सकते हैं बिजनेस एक्सपेंस। तो जस्ट टू कट इट शॉर्ट, इसका मतलब ये कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होकर यहाँ पे कोई काम करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और एज एन एम्प्लॉई जाहिर बात है फिर उनका टैक्स ज़्यादा होता है तो वो बेनिफिट्स कम है। एक मोटी सी मिसाल के तौर पे आपको मैं ये दे सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर एक एम्प्लॉई $50,000 सालाना कमा रहा है तो उसके मुकाबले में उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी उसके मुकाबले में जो एक बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है वो $30-32,000 भी कमा रहा है तो दोनों तकरीबन बराबर होंगे बिकॉज अल्टीमेटली जो आई मीन टैक्स पेमेंट है वो एम्प्लॉई की ज़्यादा होती है तो उसको एडिशनल कोई $7-8,000 टैक्स पे करना पड़ जाएगा जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड को नहीं करना पड़ता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एज न्यू इमिग्रेंट आपके जहन में होनी चाहिए जब आप अपने किसी करियर की चॉइस करें। अब हमें बताएं ये कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स के बारे में। जी, कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स का ये भी आपने अच्छा सवाल किया। देखिए यहाँ पे जब आप कनाडा में आते हैं तो जैसे मैंने बात की कि आपके पास चॉइस होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो बेशुमार लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर अपनी कॉर्पोरेशन या कंपनी जो है वो खोल लेते हैं क्योंकि आपको पता है उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट होता है। अब बुनियादी तौर पर उनको यहाँ पर कैनेडियन कंट्रोल्ड प्राइवेट कॉर्पोरेशन या CCPCs कहा जाता है। तो उसमें जो इनकम टैक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जो कैनेडियन कंट्रोल प्राइवेट कॉर्पोरेशन है वो सिर्फ 9% टैक्स देती है अगर आप स्मॉल बिजनेस के तौर पे आप अपने बिजनेस को क्लेम कर रहे हैं। उसके लिए 2 कंडीशन पूरी करनी होती है कि आपके जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो 100 से कम हो और आपका जो सालाना बिजनेस रेवेन्यू वो $5 लाख से कम हो जो डेफिनेटली न्यू बिजनेस का नॉर्मली होता है। तो फिर आपको तकरीबन 9% जो है वो कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स अदा करना पड़ता है अपने बिजनेस प्रॉफिट्स के ऊपर। तो उसका फ़ायदा फिर ये है कि आप एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट आप एंजॉय करते हो, जाहिर बात है क्योंकि ये कॉर्पोरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और आपको कोई डायरेक्टली सू नहीं कर सकता, वो कंपनी को ही सू कर सकता है अगर कोई इशू आएगी। तो आपके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं, आपकी गाड़ी है, आपका घर है, वो लिटिगेशन से इन चीज़ों से महफूज हो जाती है। और दूसरा अगर आप कंपैरिजन करें जैसे मैंने बात की थी कि अगर आप एज एन इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका मिनिमम जो उसे कहते हैं जो टैक्स का उसे कहते हैं रेट है फेडरल वो 15% है एज़ कम्पेयर टू कॉर्पोरेशन का मैंने 9% बताया। इसी तरह जो एक और सिमिलैरिटी है वो ये है कि जिस तरह पर्सनल टैक्स में भी आपको फेडरल भी टैक्स देना पड़ता है और प्रोविंशियल टैक्स भी, तो कॉर्पोरेशन के केस में भी आपको एक लो रेट टैक्स होता है और एक हाई रेट डिफरेंट प्रोविंस से चार्ज करती हैं और उसमें जो लो रेट टैक्स है वो आपको चार्ज होता है जब आप एज ए कैनेडियन कंट्रोल प्राइवेट कॉर्पोरेशन के तौर पर ये चला रहे होते हैं। तो बेशुमार लोग जो उनसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जब जाते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो एक कॉर्पोरेशन कनाडा में आके फॉर्म बना लें। हस्बैंड वाइफ उसके डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स बन जाते हैं और कोई बच्चा 18 साल से बड़ी एज का उसको भी साथ शामिल कर लेते हैं और फिर वो मिल के बिज़नेस को करते हैं। उसमें जाहिर बात है आप सारी वो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो भी ले रहे हैं, जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड को मिलते हैं इस मुल्क में, और प्लस एडिशनल आपको जो लिमिटेड लाइबिलिटी और मोर इम्पोर्टेंटली टैक्स के हवाले से जो आपका टैक्स का रेट है वो इंडिविजुअल के मुकाबले में जो 15% है वो गिर के 9% रह जाता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये जो हम आज यहाँ जो वीडियो यहाँ कर रहे हैं, ये जो ग्राउंड है सारी बैक पे आप लोगों की, ये जो है ज़रा दिखाएं, ये मेरी बेटी का स्कूल है, फर्स्ट स्कूल। जब हम यहाँ कनाडा आए थे तो यहाँ पे इसने एडमिशन लिया था। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्टोन आपको नज़र आ रहा होगा, ये जब हम आए थे उस वक्त भी यहीं था। और मेरी बेटी जब हम स्कूल से घर वापस जाते थे, हमारा रास्ता तो उस साइड पर था, लेकिन अक्सर मैं यहाँ से वॉक करती थी क्योंकि उसकी फ्रेंड्स यहाँ से जाती थी। तो ये स्टोन पे आके खड़ी होके बड़े पोजेज मार के ना, तो ये उतार के तस्वीरें तो अपने पापा को भेजती थी क्योंकि ये उस वक्त हमारे पास नहीं थी, ये बैक होम थी। तो मैंने कहा चले आपको ये भी एक चीज़ दिखाऊँ। तो ये देखिए इसके ऊपर उसकी काफ़ी मज़े मज़े की उसकी तस्वीरें हैं बचपन की। ग्रेड 1 में थी जब वो यहाँ आई है, उसने ग्रेड 1 में एडमिशन लिया था। तो इस पे बैठ के और खड़े होके ना बड़े पोजेस वो मारती थी। तो मैंने कहा चले आपसे ये भी शेयर करूँ। ये देखें ये फॉल्स के कलर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब फॉल्स भी कुछ जा ही रही है, लेकिन इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है। अच्छा जी, अब हमें बताएं GST और HST के बारे में। ओके जनाब, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जिसे HST हार्मोनाइज सेल्स टैक्स कहते हैं। वो क्या चीज़ है? लेकिन अब कनाडा में जिस तरह दूसरे मुल्कों में भी सेल्स टैक्स लगता है, जिस तरह वैल्यू एडेड टैक्स का कॉन्सेप्ट है, ये सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पे जो आप जब भी कोई शॉपिंग करने जाते हैं, चीज़ खरीदने जाते हैं, तो आप देखेंगे उसमें जो प्राइसेस लगी होती हैं, प्राइस टैग्स जो होते हैं, उनमें वो सेल्स टैक्स जिसको हम GST या HST कह रहे हैं वो शामिल नहीं होता। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको शर्ट आपको पसंद आ गई और आप $100 की वो शर्ट खरीद रहे हैं, तो आप बहुत खुश होते हैं कि ठीक है जी $100 की मैं बाय करता हूँ। लेकिन जब आप काउंटर पे जाके पेमेंट करेंगे तो वो उस पर 13%, यानी मैं ऑन्टेरियो की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हार्मोनाइज सेल्स टैक्स चलता है, वो 13% उसमें ऐड करेगा और आपसे कहेगा जनाब आपने $113 अदा करने हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो सेल्स टैक्स है वो मेजॉरिटी केसेस में कनाडा में गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस टैग होता है उसमें शामिल नहीं होता, वो बाद में ऐड किया जाता है। अब दूसरी बात ये कि ये सेल्स टैक्स है क्या, जिसे मैंने बात की कि जी ऑन्टेरियो के प्रोविंस के अंदर इसको हार्मोनाइज्ड सेल्स टैक्स कहते हैं या HST। इसका मतलब ये कि इसका एक फेडरल कंपोनेंट है और एक प्रोविंशियल कंपोनेंट है। मिसाल के तौर पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसका 8% हिस्सा होता है इस केस में और फेडरल का 5% है। उन दोनों को कंबाइन करके इन्होंने 13% एक जगह पे उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि फिर बाद में आपस में गवर्नमेंट अपने लेवल पे उसको डिवाइड कर देती है। ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ प्रोविंसेस हैं जो उसे कहते हैं वो प्रोविंशियल टैक्स नहीं लगाती। मिसाल के तौर पे अल्बर्टा, तो वहाँ पे सिर्फ फेडरल जो कॉम्पोनेंट होता है वहाँ पे इसको GST कहा जाता है, HST नहीं कहा जाता क्योंकि वो हार्मोनाइज नहीं है। तो वहाँ पे आपने सिर्फ 5% उसे कहते हैं सेल्स टैक्स देना है तो आप खरीदेंगे। इसमें कुछ और प्रोविंसेस भी हैं, मिसाल के तौर पर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, वहाँ पर इसका रेट और हाई है, 13 की जगह 15% भी हो जाता है वगैरह वगैरह। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो सेल्स टैक्स है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे आपकी प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, स्पेशली अगर आप ऑन्टेरियो या ऐसा के प्रोविंस पे रहें जहाँ पर फेडरल और प्रोविंशियल दोनों आपने स्टार्टिंग तो बड़ी टेंशन मुझे होती थी कि ये मैंने इतने की लिए काउंटर पे आके ये 13% ऐड हो गया, क्योंकि हमारे मुल्क में तो एडिड होता था जो भी टैक्स होता था। तो वो मुझे बड़ी उस वक्त गुस्सा भी कई दफ़ा आता था, टेंशन भी। हाँ डेफिनेटली, आप सोचिए बड़े खुश हो गए ये $200 की एक शर्ट ली और आपसे कहा भाई $26 और अदा करें। तो इसी तरह मिसाल के तौर पे आप कोई महंगी चीज़ खरीद रहे हैं, कोई टीवी है, कोई और है, फर्नीचर है, तो आपने $1000 की चीज़ ली और बाद में पता चला कि जनाब आपको 13% उस पर $130 और पड़ गया, तो आपके लिए अच्छा खासा मसला हो जाता है। स्टार्ट में तो छोटी चीज़ों पर भी मुझे टेंशन होती थी, गुस्सा आता था। ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में जी यहाँ पर फिर व्यूअर्स को फिर हम बाय बाय कहें, अलविदा कहें अगली वीडियो तक। और उम्मीद है जनाब इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की। हमें कमेंट्स में बताएं कैसी लगी और आप और क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हम वो भी आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। और हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जनाब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।